भैया वो अनु जिस अच्छे बंदर के बारे में बात कर रहा है वो और कोई नहीं हम सबकी अपनी करंटिया भाभी है। यही रहिए अब बच्चों का ध्यान रखिए चलो सब अपने बेटे और बहू को इतनी बड़ी फौज लेके और ये क्यों मंडरा रही है देखना पड़ेगा अरे हटो 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 ये काला बंदर मारो इसे हाँ भैया अरे शिबू कहाँ हो तुम कब से तुम्हें फोन लगा रहे तुम जल्दी यहाँ आओ भैया आपको तो पता ही ना मैं इस काले बंदर को लेकर कितना परेशान हूँ बस उसी में सब लगा हुआ हूँ अरे वही बताने के लिए मैंने तुम्हें फोन किया है जिस काले बंदर को लोगों ने मंदिर में पकड़ा था और वो और कोई नहीं शायद करंटिया है क्या सवाल जवाब का समय नहीं है शिबू तुम जल्दी यहाँ पे आओ आप घबराइए मत मैं तुरंत पहुँचता हूँ लेकिन आप सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि करंटिया को कुछ ना हो मैं पहुँचता हूँ ठीक है जल्दी आओ भाभी हम सच्चाई जानते हैं लेकिन आप हमें अगर सच्चाई नहीं बताएंगे तो हम आपको कैसे बचाएंगे प्लीज बता दीजिए कि आप ही वो काला बंदर प्लीज भाभी आप ही हो ना आज इसे नहीं छोड़ेंगे मारो इसे इसे मारो बहुत सताया है इसने हमें मारो मारो इसे मेरे मम्मा को मत मारो अरे पुजारी को मारा है इसने मारो इसे अरे बेण सा जे के हैं आपके घर की बिंदड़ी ऐसा कैसे कर सकती है हैं ये झूठ है हमारी करंटिया कोई गलत काम नहीं कर सकती ये तो अच्छा वाला काला बंदर है सबकी मदद की है आप लोग जानते हैं भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है दो काले बंदर है एक अच्छा वाला और एक बुरा वाला जिसने लोगों को लूटा वो बुरा वाला काला बंदर करेंगे भाभी नहीं बस 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 रामा पीर की कृपा से बातें बनाना बंद कीजिए झूठ मूठ की कहानियां बना रहे हैं
अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोल रही है जेबिंदनिया। और नहीं तो क्या भाई और बहनों झूठ बोल रहे हैं। हाँ। सारे के सारे झूठे कहीं के। हाँ? नहीं ये झूठ है, हमारा विश्वास कीजिए। ओ जी बाबा जी के वास्ते आप लोग ना हमारे करंटिया को गलत मत समझो, सब भलाई के लिए किया उसने। हाँ? बेवकूफ समझते हो हमें, लूट का सारा माल हजम करने की कोई और तरकीब सोचो। ये दया की नहीं सजा के हकदार है, ये चोर के साथ साथ हत्यारिन भी है। इसने पुजारी को मारा है, इसे सजा मिलनी चाहिए। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमारी करंटिया पुजारी को नहीं मार सकती। मारो इसे, मारो इसे। प्लीज हमारी बात सुनिए, हम हाथ जोड़ते हैं आपके। अरे छोड़ नाना, इसे मारो, बराबर मारो। जे इसी की वजह से मैं ऊपर से नीचे गिरी थी खटिया पे। हाँ मारो। रुक जाओ, जब तक हम जिंदा हैं, हमारी बहू को कोई हाथ नहीं लगा सकता। हमने कहा रुक जाओ। कार्तिक लोग ऐसे नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे कि ये अच्छा वाला काला बंदर है। हमें कुछ भी करके वो बुरे वाले काले बंदर को यहाँ लाना होगा, तभी लोग समझेंगे कि सच्चाई क्या है। लवली लेकिन इस वक्त हम उस काले बंदर को कहाँ ढूंढेंगे? शिबू भैया भी अभी तक आए नहीं है। मासा, आप सब यहीं रहकर करंटिया भाभी के साथ रहिए और भीड़ को संभालिए। तब तक हम लोग जाके उस दूसरे काले बंदर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, जल्दी आना। भीड़ का अपना दिमाग नहीं होता, पता नहीं ये क्या कर बैठे। जाओ और जल्दी से लौट कर आओ। जी मासा। ऊंट की कसम से मुबाई सा, मैंने तो सपने में भी ना सोचा था। हाँ, कि अपनी करेगी के? और तो और मंदिर के पंडित को बेचारी को कत्ल कर देगी के? बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। लकड़ी से भाई साहब ऐसा उसने क्यों किया है? ये सत्यारिन को नहीं छोड़ेंगे, मारेंगे इसको। क्या हुआ शिवेंदु बाबू, उस दिन तो बड़ी बड़ी ढींगे आंख रहे थे टीवी पर कि 24 घंटे में काले बंदर को पकड़ लेंगे, अब क्या हुआ? अपनी बीनी को देख के कहीं इरादे तो नहीं बदलती है? हवा खिसक गई होगी। शिवेंदु कौशिक, हमें न्याय चाहिए, गिरफ्तार कर लो काले बंदर को। अरे कुछ तो जवाब दो, बोलती बंद हो गई या याददाश्त चली गई, जो अपना वादा भूल गए? हाँ हाँ, मुझे अपना वादा याद है, मैं खुद इस मामले की छानबीन करूंगा और अगर मुझे इसके खिलाफ एक भी सबूत मिला तो मैं खुद अपनी पत्नी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। हमारे पास समय बहुत कम है, हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे करंटिया भाभी को बचा सके, वरना भाभी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगी। अरे अब करें क्या, उस बदमाश काले बंदर को पकड़े कैसे हम लोग? बाबूजी कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो काला बंदर हमारे जाल में फंस जाए। वो तो सही है, लेकिन करेंगे क्या? भाभी मेरे पास एक आइडिया है, उसे ललचाएगा। आइडिया? कैसा आइडिया, जल्दी बताओ। जी जल्दी बोलो लवली, हमें किसी भी तरह से करंडियों को बचाना है। हाँ हाँ, हाँ बिट्टू भैया। निकलो ने। अरे सुन जेसी बू, हम सबको झांसा दे रहा है झांसा। अगर एक बार जी अपनी बिंदनी को हमारे हाथों से निकाल कर ले गया ना, तो फिर तो हमको मिल गया इंसाफ। फिर अरे पुलिस वाला जो ठहरा और वो उसकी बिंदनी जो ठहरी, कैसे ना कैसे उसको निकाल ही लेगा जेल से। हाँ अरे हमको इंसाफ अठे ही मिलना चाहिए सबके सामने। अब सकड़ की देख रही है, बोल कहाँ लेके जा रही हो अपनी बिंदनी को, हमारी आंखों में धूल झोंक कर। अरे जो भी फैसला करना है हम सबके सामने ही होगा, इसको सजा यही दिलाओ। इसे यही सजा दो हम सबके सामने, तभी हमें तसल्ली मिलेगी। अरे बंद करो इस जाती बस। अरे आप लोग इंसानों के जानवर जैसी बातें कर रहे हैं।
मैं जानता हूं काला बंदर सिर्फ बाहर ही नहीं हम सबके भीतर भी है और वही तुम सबको उकसा रहा है हिंसा करने के लिए लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा और वैसे भी अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए हैं जैसा कि मैंने कहा अगर करंटिया के खिलाफ मुझे एक भी सबूत मिलता है तो मैं खुद इसकी कार्यवाही करूंगा लेकिन इससे पहले अगर किसी ने भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा आप वहीं रुकिए मैं अभी आता हूं शिवजी क्या आपको भी यही लगता है कि मैं गुनहगार हूं क्या आपको लगता है कि मैं इतनी नीच हरकत कर सकती मेरे विश्वास से ज्यादा इनका विश्वास जरूरी है और इन्हें सबूत चाहिए जिन तीन लोगों पे नजर रखने को कहा था उनका क्या हुआ ओके नजर रखो सर एक बुजुर्ग जोड़ा मिला है सर जिन्होंने काले बंदर का असली चेहरा देखा है आओ हमारे पास वक्त बहुत कम है Thank you.
भरतपुर ऑक्शन ऑक्शन लगाई ऑक्शन कम 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 डियर फेलो चाइना का सबसे प्राचीन और मशहूर चाओ माओ परिवार अपने बेशकीमती हथियारों और जवाहरातों की नीलामी करने जयपुर पहुंच गया है। हम आपको बता दें कि ये नीलामी गुलाबी बाजार में आज शाम 7 बजे से शुरू होगी। इस नीलामी में सभी जयपुरवासी आमंत्रित हैं। कट सर, ये न्यूज जल्दी ही पूरे न्यूज चैनल पे आ जाएगा और मुझे विश्वास है कि आपका ये प्लान कामयाब होगा। मुझे भी यही उम्मीद है। Anyways, thanks. Okay, sir. आइए आइए भाई लोगों, चाइना का सामान देखिए, ये कितना अच्छा खूबसूरत है। चुप 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 निमी, हमें लगता है कि अनु को घर छोड़ाना चाहिए। हाँ गहना भाभी, आप ठीक कह रही हैं। ये साहब ही ना, बिट्टू कार्तिक और बहू को लेकर पता नहीं कहाँ चले गए। भगवान जाने उन्हें काला बंदर मिला भी या नहीं। मासा फिक्र मत कीजिए, सब ठीक होगा। अरे चलो चलो, देखो मुफ्त में खाना। अरे बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं आप। बहुत अच्छा, देखिए और ये तलवार देखिए जिसका नीलामी होगा। हमको दो सूप है। अरे सूप ला, अरे चुप चुप। अरे लो लो सासुमा। Very tasty soup. अरे होए होए! अरे इतना भी खूब क्या लगाया था कल मुझे 10 मिनट कोई के सूप में है। मेरे मुंह चला दिया। अरे थारे स्टोल में तो आग लगे आग। पानी तो दे। वाटर वाटर वाटर। अरे क्या कर रहा है? भाई भाई भाई। अरे भाई भाई करके ये दुश्मन निकाल रहा है तू है? और नहीं तो क्या रहे हो? चाइनीज कोला सूप। अरे चलो जिसे ललचाने के लिए इतना बड़ा तमाशा किया है वो कहाँ है? Oh,